नमस्कार महप्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। अक्टूबर महीने के खत्म होने के साथ ही नए महीने की शुरुआत होने वाली है। वहीं नए महीने के साथ ही नए नियमों का लागू होना भी लाजमी है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको 1 नवंबर से होने वाले बदलाव के बारे में बताने वाले हैं, जिससे आप भी बदलते नियम के कारण परेशान ना हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस महीने से लोगों की जेब यकीनन थोड़ी भारी होने वाली है। इसके अलावा कुछ मामलों में राहत भी मिलेगी। यही नहीं, नवंबर में कमाई का भी मौका आपको मिलने वाला है। महंगाई का दौर है और ऐसे में दामों में बदलाव का होना भी लाजमी है। महंगाई की बात हुई तो 1 नवंबर से होने वाले बदलाव में सबसे पहले हम बात करेंगे रसोई गैस के बारे में। जी हाँ, इस महीने से आपका खाना बनाना महंगा होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार नवंबर के पहले सप्ताह में LPG सिलेंडर के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। हाल ही में न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक LPG के मामले में लागत से कम मूल्य पर बिक्री से होने वाले नुकसान 100 रुपए प्रति सिलेंडर पर पहुंच चुके हैं। यही कारण है कि इसकी कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस समय दिल्ली और मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 899.50 रुपए है। दूसरा जिस नियम में बदलाव होने वाला है वो है बैंकिंग कामकाज निपटाने में दिक्कत आएगी। जैसा कि हम सबको पता है कि नवंबर का ये महीना त्योहारों से भरा होने वाला है। ऐसे में अगर आप नवंबर महीने में बैंक से जुड़े कामकाज निपटाना चाहते हैं तो छुट्टियों का हिसाब किताब समझना होगा, क्योंकि नवंबर में दिवाली छठ आदि की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में कुल 17 दिन बैंक नहीं खुलेंगे। इसलिए अगर आप बैंक से संबंधित कोई भी कामकाज निपटाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि कैलेंडर और छुट्टियों की डिटेल लेकर ही घर से बाहर निकले। तीसरा जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो है घर आने वालों के लिए, क्योंकि घर आना जाना अब आसान होने वाला है। दिवाली और छठ त्योहार को देखते हुए रेलवे ने कई नई स्पेशल ट्रेन शुरू की है। कुछ ट्रेनों का संचालन नवंबर महीने में अलग अलग तारीखों पर शुरू होगा। ये ट्रेनें देश के अलग अलग रूट से चलेंगी। हालांकि सबसे खास बात यह है कि इनका रूट मुख्य तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश केंद्रित होगा, क्योंकि ये दो ऐसे राज्य हैं जहां छठ और दिवाली मनाई जाती है और त्योहारों में अलग ही धूम देखने को मिलती है। अगला नियम है सभी व्हाट्सएप यूजर के लिए। कंपनी की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप 1 नवंबर से कई स्मार्टफोन पर काम करना बंद कर देगा। ऐसे में ध्यान रहे कि अगर आपका फोन आउटडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है तो व्हाट्सएप चलना बंद हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि यह कौन कौन से फोन में होगा तो इसमें एप्पल से लेकर सैमसंग और सोनी जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। ऐसे में अगर आपका फोन अपडेटेड नहीं है तो आप जल्दी करें, वरना आपके सारे चैट्स खत्म हो जाएंगे और आपको कनेक्ट होने के लिए कोई दूसरा साधन ढूंढना पड़ेगा। अगला बदलाव है पेंशनर्स के लिए। मिली जानकारी के अनुसार 1 नवंबर से SBI एक नई सुविधा की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए बैंक नहीं जाना होगा। अब कोई भी पेंशन भोगी वीडियो कॉल के जरिए अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेगा, जिससे पेंशनधारियों को काफी सहूलियत मिलेगी। वहीं अगर हम इस महीने के आखिरी बदलाव की बात करें तो निवेशकों के लिए है। ऐसे में अगर आप निवेशक हैं और शेयर बाजार में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश के जरिए कमाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बड़ा मौका है, क्योंकि 1 नवंबर को पॉलिसी बाजार और 8 नवंबर से पेटीएम का IPO खुल जाएगा। इसके साथ ही 1 नवंबर से SJS इंटरप्राइजेस और सिगाची इंडस्ट्री का IPO भी सब्सक्रिप्शन के लिए खुल जाएगा। इसके साथ ही नाइका फिनो पेमेंट बैंक के IPO में भी दाव लगाने का मौका रहेगा, क्योंकि नाइका का IPO 1 नवंबर को बंद हो रहा है, वहीं फिनो पेमेंट बैंक का आखिरी दिन 2 नवंबर है। तो ये थी 1 नवंबर से बदलने वाले नियमों की जानकारी। आपके अनुसार बदले गए नियम संतोषजनक है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।